वो है चेंगिस। तो फाइनली दोस्तों मास सिनेमा का दौर है, हर दूसरी इंडस्ट्री एक्शन धमाका और मास सिनेमा से इंडियन सिनेमा या फिर यू कहो कि पैन इंडिया में चमकना चाहती है। ये ट्रेंड दरअसल 3 साल पहले शुरू हुआ था जब केजीएफ ने कम बजट में कन्नड़ा इंडस्ट्री से पैन इंडिया में एंट्री मारी थी। जी हाँ दोस्तों, चंगेज का ट्रेलर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बंगाली इंडस्ट्री की रीजनल फिल्म जो सीधा बॉलीवुड को टक्कर देने आ रही है। कब भाई साहब? ईद में, वो भी सलमान खान की किसी की भाई किसी की जान फिल्म के सामने। अब इसे ट्रेजेडी कहो या फिर पागलपन, लेकिन एक बात तो है, यहाँ 21 अप्रैल को इतिहास लिखा जाना है। या तो मूवी पिट जाएगी सलमान के सामने या फिर सुपरहिट का टैग लेकर जाएगी, और बंगाली इंडस्ट्री भी कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरह एक सीट अपनी रिजर्व कर लेगी पैन इंडिया में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ट्रेलर बहुत शानदार निकला है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि मूवी रीजनल है, बॉलीवुड मासी एक्शन सिनेमा वाली वाइब आ रही है। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का है। मूवी मेकिंग से लेकर प्रमोशन वगैरह वगैरह मिलाकर मूवी की दमदार बात यह है कि मूवी का विजन बहुत शानदार है और डायरेक्शन में कोई कमी नहीं लग रही है जिस हिसाब का इसका बजट है। वो कहते हैं ना कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, साला तुम्हें अपना 100% तो देना पड़ेगा। तो शायद मूवी के मेन लीड एक्टर जीत से लेकर डायरेक्टर के डायरेक्शन तक सभी ने जी तोड़ मेहनत करी है, लेकिन रिलीज डेट के मामले में चूक गए या फिर जानबूझ के उड़ता तीर अपने चूक पर लेने की सोची, डोंट नो, वो तो कुछ ही दिन में पता लग जाएगा। दूसरा ये कि आफ्टर केजीएफ अब हर फिल्म साला केजीएफ बनना चाहती है, कहो ना कहो, बट लिटिल बिट केजीएफ की बूथ पूरी तरीके से आ रही है मूवी से, क्योंकि वही लेट इंडिया एंड ऑफ 20s का दौर है, 1970 की कहानी, जहां गैंगस्टर एरा जबरदस्त पीक पर था, हर कोई अपना परचम या फिर यू कहो कि कब्जा अपने रीजनल एरिया में जमाना चाहता था। ये मूवी में पुलिस वर्सेस गुंडा का कॉन्ट्रोवर्सियल एक्शन नंबर 1 है। फिर आते हैं हमारे जीत भैया, मतलब हीरो, जो पूरे इलाके में कलकत्ता से लेकर यूपी तक अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसमें अपने रीजन के 3 गुंडों को भी दिखाया गया है, साथ ही पुलिस वर्सेस क्रिमिनल फिर एंट्री ऑफ चंगेज के जबरदस्त केमिस्ट्री को दिखाया गया है। दोस्तों मूवी प्रेजेंट करने का तरीका और ट्रेलर से कहानी का रिप्रेजेंट करने का तरीका साफ सॉलिड लग रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया में मास सिनेमा की कोई कमी है, लेकिन आप किस हिसाब से अपनी कहानी को प्रेजेंट करते हैं वो मायने रखता है, क्योंकि स्टोरी लाइन सीधा पब्लिक से कनेक्ट करती है तो वो सीधा हिट होती है। जैसे कि केजीएफ, आफ्टर केजीएफ हर बंदा खुद को रॉकी भाई समझने लग गया था, तो ये होता है पब्लिक से कनेक्शन, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हां चंगेज का स्टोरी प्रेजेंट करने का तरीका जबरदस्त लग रहा है, जो कहीं ना कहीं जनता को कनेक्ट भी करेगा। वरना कब्जा जो हाल ही में रिलीज हुई थी, ट्रेलर फुल ऑन मासी था, एक्शन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेन बात स्टोरी रिप्रेजेंटेशन के मामले में मार खा गए थे और मूवी पिट गई। तो देखो बहुत से सवाल हैं जो लगातार मन में घूम रहे हैं, जवाब अब सीधे 21 अप्रैल को ही मिलेगा। तो दोस्तों अब आपकी बारी, ये आप लोग बताएंगे कि ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, क्या केजीएफ की तरह चंगेज भी चमक पाएगी नॉर्थ इंडिया में, दूसरा क्या सलमान खान के सामने टिक पाएगी चंगेज, क्या बंगाली सिनेमा डायरेक्शन बीट कर पाएगा बॉलीवुड को, सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।